बट आप सीन चेक करें, वाटरफॉल, फिर वहाँ पर एक छोटी सी आ रही है, फिर ये पूरी वाटर स्ट्रीम जा रही है ऑल द वे, वहाँ पर भी एक छोटी सी है वाटरफॉल। सलाला में है नहीं, और वाकई में ऐसा लग रहा है जैसे हम ना वो हासिक की रोड पे आ गए। बिल्कुल भी ग्रीन नहीं है यार ये, पहले भी ऐसे ही था। यहाँ पे खरीफ आया ही नहीं, यहाँ पे खरीफ आया ही नहीं है यहाँ पे। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं मुझे अपनी स्क्रीन्स पर ऑल द वे फ्रॉम सलाला। अनदर वेरी गुड एंड रेनी मॉर्निंग, एडवेंचर ऑफ द खरीफ सलाला कंटिन्यूज़। और आज हमारा है एक और दिन एंड वी आर आउट ऑन येट अनदर एपिसोड फॉर खरीफ सीज़न। और हमारी एक बहुत ही प्यारी मॉर्निंग हो चुकी है, बारिश हो रही है। ऊपर से मैं देख रहा था जब मैं उठाऊँ तो ऐसा लग रहा था कि ड्राई है, बट इट फील्स लाइक इट्स रेनिंग। और अच्छी खासी तो नहीं मैं कह सकता, बट इट्स अ ब्यूटीफुल रेनिंग डे। इशारे पे खड़े हुए हैं एंड यू कैन सी कोई भी नहीं है, बट हम खड़े हुए हैं। जिस तरह आपने पिछले एपिसोड में देखा था, हमारा जो प्लान था एन रूप का वो थोड़ा सा ज़्यादा एडवेंचरस हो गया था क्योंकि डबल हाइकिंग हो गई थी। तो आज हमारा प्लान है कि थोड़ा सा ईजी रहे। तो प्लान स्टार्टिंग ऑफ द डे तो हमारा रहेगा नाश्ता करना। नाश्ता करके फिर हम लोग हो सकता है जाएं आज एक नई लोकेशन पे, विच इज़ वादी शेख। नॉट श्योर कि हमें वहाँ पर वाटरफॉल के साथ अंदर जाने को मिलेगा या हम लोग वहाँ पर पूल साइड पे कुछ जो नेचुरल पूल बनते हैं वहाँ पर कुछ इंजॉय कर सकेंगे। देखते हैं वहाँ पर क्या सीन होता है। और उसके बाद हम लोग जाएंगे हज़रत नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम के रोज़े के पहाड़ी पर, उसके नीचे ही एक और एक वाटरफॉल तो नहीं हम कह सकते बट एक काइंड ऑफ अ पूल है। फिलहाल हम पहुंच गए आदिल के घर पे, उसने कहा था कि आज रेडी होगा टाइम पे बट फिर भी वो लेट है, तो लेट्स वेट फॉर हिम। ले जी, आदिल का तो फिलहाल कोई पता नहीं है तो रहील को पहले पिक करते हैं, ही इज़ रेडी। इट्स 6:40 AM इन द मॉर्निंग एंड इट्स वेरी प्लेजेंट 24 degrees और हो रही है बड़ी प्यारी बारिश खरीफ की। एंड वट यू कैन आस्क मोर फ्रॉम द डे, परफेक्ट स्टार्ट। तो निकल पड़े, होपफुली वील हैव अ गुड डे। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है, कैसे हो, ठीक ठाक हैं, सब खैरियत है, कोई हाल नहीं है। आदिल का कभी कह रहा है कि ले लो, कभी कह रहा है नहीं लो। अभी क्या वो कह रहा था, रेडी है, वो कह रहा था कि मैं उतर रहा हूँ 10 मिनट में। 10 मिनट में किधर रह गया यार ये भाई, आ जा। क्या कर रहे हो तुम आज? ये भाई मैंगो 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 पीपल कम। ये नाश्ते का तुम ये कह रहे थे कि ओए होए इस तरह का नाश्ता करेंगे, माम खिलाओगे सुबह सुबह। चलो आज देखते हैं तुम्हारा क्या वावा है। कहाँ हो अब, कहाँ गया? लें जी, हम सनाइया आए हैं, एक कोई नई लोकेशन है आदिल ने बताई है, तो लेट्स सी। नाश्ता जी यहाँ से हो गया है और हमारा चाय हम वहाँ से लेंगे। कहाँ पहुँचना है? अच्छा जी, नाश्ता हम लोगों ने कर लिया। नाश्ता हम लोगों ने फिर से क्या किया, दोबारा से पाए पाए लेकिन यार बड़ा मजेदार काम था। चने, अंडे चने, अंडे चने और चने। मेन चीज नान चने। हाँ, क्वांटिटी भी अच्छी थी और लाइक यू नो थोड़ा सा मसाला टाइप वगैरह, मेन चीज ये थी कि क्वांटिटी अच्छी थी, टेस्ट भी अच्छा था, टेस्ट भी अच्छा था। तो अभी हम लोग निकल पड़े हैं एंड शेख की तरफ। एंड शेख की जो वादी है वो सलाला का जो मेन एरिया है, सिटी सेंटर है, उससे तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर दूर है। जब हम लोग रजात की तरफ जाते हैं तो रजात से लेफ्ट, यानी रजात के एरिया से पहले हम लोगों ने लेफ्ट लेना है कहीं से। तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं हम, जो अभी तक डिस्कस कर रहे थे हम, जितनी भी वीडियोस हमने देखी हैं उसमें ना नहाने वाला सीन कहीं पर कुछ है, लेकिन वहाँ जाके देखेंगे क्या हिसाब किताब है। वहाँ पर जाके फिर उसको देख कर फिर हम लोग वापस आएँगे नबी अय्यूब की तरफ। पहले हम सोच रहे थे कि शायद बारिश वगैरह का सीन ना हो तो नबी अय्यूब पहले जाएं, क्योंकि वहाँ पर सुबह सुबह जाना एक बहुत ही अलग ही अखीर सीन है। इस वक्त भी बड़ी प्यारी बारिश हो रही है, अच्छी खासी यानी तेज़ बारिश हो रही है। तो होपफुली अगर हम 2 या 3 घंटे के अंदर वादी शेख से फारिग हो के सीधा हम लोग नबी अय्यूब की तरफ चले जाएँगे। पहाड़ है, पहाड़ पर अगर बारिश ना हो रही हो तो वो बादलों वाला सीन होता है, तो वही बड़ा प्यारा होता है। और ये भी एरिया यहाँ पर बहुत ही प्यारा बन चुका है,
दोनों तरफ चारों तरफ आप कह लेंगे ग्रीन, प्योर ग्रीन एरिया हो चुका है। और जो लोग जबल से पहाड़ों से जो अपने मवेशी वगैरह लेकर आते हैं नीचे, उन लोगों के आपको खेमे यहाँ पर नज़र आते हैं। कल मैं जब वो दरबात से वापस आ रहा था, वो दरबात वाले एरिया में क्या वो जो ऊँटों वाला हिसाब किताब है यार, कितने यानी वो तो माशाल्लाह गिन नहीं सकते आप यार, पूरा नीचे उतरा हुआ है ना। वैसे ये भी एक सहूलत ही है, ये जो हाईवे बन चुकी है ना, आप लाइक आपको शहर के अंदर नहीं आना पड़ता स्पेशली खरीफ में। लेकिन खरीफ में अगर आप 5-6 बजे के बाद जब या जा रहे हो या आ रहे हो तो यहाँ पर भी सही रश होता है। कल मैं जब बता रहा था, जो आ रहा था ना वापस ताका से ट्रैफिक शुरू हुई है, ताका से वो जो बड़ी मस्जिद नहीं बन रही वहाँ से ट्रैफिक शुरू हुई है। अच्छा जी, ये आ गया है सालनूत का राउंड अबाउट, यहाँ से राइट होंगे तो सालनूत का जो रेजिडेंशियल एरिया वहाँ पर पहुँचेंगे। हम होंगे जबल की तरफ, पहाड़ों की तरफ ऑन द लेफ्ट साइड। इसी से आगे सीधा जाएंगे तो आपको आगे से लेफ्ट रजात मिलेगा। अच्छा जी, थोड़ा बहुत हमने खाने का स्नैक्स वगैरह ले लिए, पानी ले लिए, और हमें बड़ी प्यारी चीज़ मिली है, दिखाना। ये हमारा बचपन का प्यार। यानी सबसे पहला काम होता था वो पॉकेट मनी मिलती थी ना, ये काम कर रहे होते थे यार ईद पे, मैगजीन 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 दे दे, मैगजीन ज्यादा देना। अच्छा लेकिन सलाला में नहीं है ये तो। फाइनल टर्न हम लोगों ने ले लिया है, मेन रोड से हम लोग लेफ्ट हुए हैं, थोड़ा स्नैक्स लिए हैं और हम लोग वादी शेख तकरीबन 6 किलोमीटर है यहाँ से, तो वहाँ पर पहुँचते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन्स हैं। लग ऐसे रहा है कि हम लोग ना वो DHA के फेज में कहीं पर फिर रहे हैं, या आगे पीछे जहाँ पर प्लॉट ही प्लॉट खाली हैं। तो यहाँ पर जिन्होंने अपने दादे दादा के टाइम पर ज़मीनें ली थी ना, उन्होंने सही बड़े बड़े घर बनाए हुए हैं। पटाखा, नमी की वजह से पहुँचे हुआ हुए। हम लोग फाइनल टर्न ले लिए और जो मेन रोड थी वो ख़त्म हो गई और अब कच्चा रोड है। और अभी हमने डेड एंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पानी का पैच है जो आई थिंक ये उतर की मतलब कि वाटरफॉल चल रही है, वाटरफॉल का ही पानी आ रहा है। तो यहाँ से जाते हैं, बहुत से लोग यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करके आगे चले गए, आई डोंट नो व्हाई। पहुंच गए जी, गाड़ी पार कर दी और यहाँ पर क्या स्लिप वाला सीन है वो यार, यहाँ पर अच्छा खासा है, चेक करें भाई ये अपना। हमने जी अपनी सेफ्टी प्रोटेक्शन सब हो गया, रेडी बंदूक भी ले लिया इन केस की हमें जरूरत पड़े, और टेस्टिंग भी कर ली है कि भाई चल रही है। यानी व्हाट अ क्वाइट एंड ब्यूटीफुल एरिया, इतना प्यारा वैसे है। और लाइक यू नो बारिश हो रही है हल्की हल्की, लेकिन फिर भी मच्छरों का सीन तो चल रहा है। और इंतहाई स्लिपरी एरिया, और हमने गलती की है, हमें गाड़ी नीचे खड़ी करनी चाहिए थी, गाड़ी उधर खड़ी करनी चाहिए थी भाई। हाँ ये यही कह रहा था हमें वो राइड पे। यार रेल इधर नहीं जाना, ये रही, ये देख वो रही सामने, देखो सामने ना कर कहाँ वो रही, ओए ओहो हो, ये देख पानी जो है ना यहाँ से भी जा रहा है। और शायद हमारा ना वो अलगेद वाला हिसाब किताब हो जाए, हमें पानी के बीच में से भी जाना पड़ेगा। ब्यूटीफुल, हमने ना अब वहाँ पर जाना है पानी से होकर, ये ना अलगैद वाला ही सीन बन रहा है, लेट्स सी। लेकिन ये अलगैद से बहुत छोटा है, अलगैद से यहाँ लंबाई वो तो 4 किलोमीटर था, ये तो हार्डली 0.5 किलोमीटर आप समझ लो, बहुत इजी है। और यानी इन विद फैमिली बंदा फैमिली भी आ सकती है, बट आप सीन चेक करें, वाटरफॉल फिर वहाँ पर एक छोटी सी आ रही है, फिर ये पूरी वाटर स्ट्रीम जा रही है ऑल द वे, वहाँ पर भी एक छोटी सी है वाटरफॉल।
फाइनली जी हम लोग पहुंच चुके हैं वाटरफॉल के साइड पे और बहुत ही खूबसूरत सीन है, रास्ता भी है और यहाँ पर आने वाला सीन भी ब्यूटीफुल। नहीं आई नहीं आई नहीं आई राइट। तो हम लोग वापस आ गए हैं, अब जा रहे हैं हम लोग नबी अय्यूब, उसके नीचे जो चश्मा है वहाँ जाएंगे और उसकी कहानी फिर आपको वहीं पर बताएंगे। और बहुत ही खूबसूरत है था वाटरफॉल ओवरऑल, एनगेद का और क्या कहते हैं एनजरजीज वाला हिसाब किताब था, बट नाइस वन। तो अभी हम लोग वापस कीचड़ से होते हुए गाड़ियों का जो है ना सत्यानाश होना है। हम लोगों ने जो एक कन्वेंशनल रोड है ये नबी अय्यूब जाने वाले जो इतीन से होकर गुजरती है उसको स्किप करके हम लोग एक नई रोड तो नहीं है लेकिन ये है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग जा रहे हैं इस वक्त सलाला तमरीत रोड पे और जो जीक है जो करून हरती वाला इलाका है वहाँ से हम लोग लेफ़्ट होकर सीधा नबी अय्यूब पे एग्ज़िट करेंगे। तो लेट्स सी, बड़ा प्यारा एरिया लग रहा है, बारिश नहीं हो रही तो बादलों का बड़ी प्यारी फॉर्मेशन बनी हुई है इधर पहाड़ों पर, तो लेट्स एंजॉय। अच्छा जी, हम लोग इस रोड पे आए हैं जो ये यार पहले आदिल कह रहा था कि ना बिल्कुल अलग थलग लग रहा है कि सलाला में है नहीं, और वाकई में ऐसा लग रहा है जैसे हम ना वो हासिक की रोड पे आ गए। बिल्कुल भी ग्रीन नहीं है यार, ये पहले भी ऐसे ही था। यहाँ पे खरीफ आया ही नहीं, यहाँ पे खरीफ आया ही नहीं, खरीफ किया यहाँ तो पौधा नहीं गिरा, यानी जिसको कहा कतरा नहीं गिरा मुझे लग रहा पानी का। अमेजिंग, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल वो चीज़ है कि आप सलाला तमरीत रोड से निकल कर ना आप हासिक की रोड पे निकल आए हैं। बिल्कुल सेम, ये पहाड़ के दूसरी तरफ है मेन रोड। हाँ, इतना कोई फर्क नहीं है, लाइक कितना होगा डिस्टेंस, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर। अमेजिंग।
यार आदिल पता किस तरह के निकाल लो, चेक पोस्ट आ गई है या इन इनसे क्रॉस करना बड़ा मुश्किल काम होगा यार। अब फिर कैसे इनसे निकलेंगे ये देखें। वो देख भी इधर ही रहा है भाई, साइड में हो जाए मेहरबानी तेरी। ओ ओ गुस्से में है भाई। नहीं नहीं वो हो गया हो गया हो गया, वाह भाई वाह, हम कामयाब हो गए चेक पोस्ट से। थैंक यू सर। ले जी हम पहुंच गए हैं नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम के रोज़े के नीचे, जो मेन क्या इसका नाम है, नबी नहीं नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम की साइट ही कह सकते हैं। नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम का चश्मा इस तरह नाम से मशहूर है, वो चश्मा जिससे उनको शिफा मिली थी। जी बिल्कुल। तो इस पानी में भी कहते हैं कि वही है, और जो किताबों में मंजरकशी की गई है उस एरिया की, वो यहाँ पर ज़्यादा मिलता जुलता है। एक उसी तरह बोला जाता है कि शाम के इलाके में भी हज़रत नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम के रोज़े की साइट है, बट अल्लाह आलम। लेकिन फ़िलहाल मैं तो कितने सालों के बाद आ रहा हूँ, मैं तो कम से कम कोई 30-35 सालों के बाद आ रहा हूँ। मैं आया था लास्ट ईयर, आया था। नहीं मैं अभी तकरीबन क्या कहते हैं 15 साल बाद बस होगी। गिर तो गए लेकिन ये है कि थोड़ा सा जख्म आया, वो जल्दबाजी में जो है ना काम जरा सा टफ हो गया है। उधर एन रोग में मेरे साथ हुआ था, यहाँ पे तुम्हारे साथ हो गया। एन रोब में कब हुआ? एन रोब में मैं गिरा था। हाँ जैसे ही उतर ये रह गया बंदा। चलो तुम तो उतरो। उतरियो कोई स्लिप हो ना? ओह हाँ यार लाख हो गया अंदर। चलो चलो हो गया अंदर। मजा आ गया। तुम कब आओगे? वाकई में जा रहा हूँ उधर, मेरे किताबें ब्लॉक की भी तीनों लेके आनी चाहिए थी। दो तीन दफा जाते कहते हैं उनके बॉस से एक ज्यादा कहते वो रेगुलर वहां पे जाते ले जी डुबकियाँ शुबकियाँ मार ली हैं, नहा लिए हैं और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। क्या प्यारा सीन है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट, आई थिंक एन रूप से भी ज़्यादा प्यारा काम हुआ हुआ इधर। मज़ा आ गया मीन्स कि बिल्कुल फोगी इन्वायरमेंट और आप उसमें स्विम कर रहे हैं पूल में।
और ये है वो जगह जहाँ पर हादसाती तौर पे मैं गिरा हूँ। अच्छा खासा स्लिप है और थोड़ा सा जख्मी भी हो गया, तो ज़रा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पता नहीं लग रहा है, जोर लगता है। लेकिन ऊपर आते वक्त सही पता चल रहा है, बिल्कुल स्टीप है अगेन। ये जो पुराना रास्ता हुआ करता था, ये स्टेयरवेज बनने से पहले वो यहाँ से जाया करता था, जहाँ से वो सीढ़ी एक है बिल्कुल नीचे आके फिर वहाँ पर पूल में जाके एग्जिट होते थे। थोड़ी सी मेहनत है वापसी की, लेकिन वो पार्ट ऑफ एडवेंचर। पहुँच गए, अब आगे निकलते हैं, कहीं पर खाना तलाश करते हैं। हाँ जी, प्रोटेक्शन हो गई है सीट्स की, देसी जुगाड़, सीट की देसी तो जुगाड़, और अभी हम बैठने लगे। पीछे गाड़ी तो नहीं है, आवाज आ जाएगी। गाड़ी की हालत चेक करें, रात में जाके सेट करेंगे, आज सफाई वाला टाइम। दो ऑप्शन थे, नीचे जाके खाना खा के फिर कहीं बैठते, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा कि थोड़े ऑप्शंस हैं, तो आदिल आता है तो उससे पूछ के लेट्स डिसाइड कि यहाँ पर ही बैठ के खाते हैं, क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा है और रश बिल्कुल नहीं है। ये फेमस मताम नबी अयूब है। अच्छा जी, खाना हमारा आ गया है, हम लोगों ने यहाँ पर कुछ चिकन मंगाया, बीफ का सालन मसाला टाइप आ रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का एपिसोड और आज का सफ़र अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। हम लोग खाना एंजॉय करते हैं इस पूरे खूबसूरत मौसम में। हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।